जब हमारा टूर प्रोग्राम बना तो कुछ लोगों ने कहा इस मौसम में कहाँ जा रहे हो, इतनी भयानक सर्दी, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये उपयुक्त समय नहीं है। लेकिन दिल ने कहा शिवराज ये उपयुक्त समय है, मोदी जी की अमेरिका यात्रा, ओबामा जी की भारत यात्रा, लोहा गर्म है, इसी समय चोट करो, मत चूको चौहान, चलो अमेरिका। और इसलिए इस मौसम में मैं आया हूं। जब मैंने काम शुरू किया और ये कहा कि नया मध्य प्रदेश गढ़ना है तो कुछ लोगों ने कहा कि अभी नया नया जोश है, नए नए मुख्यमंत्री बने, कुछ दिन तक रहेगा फिर शांत हो जाएगा। कई लोग आए और चले गए, हमने बहुत लोग देखे कितने दिन तक आपका उत्साह रहता, किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन हम एक दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे थे। पहले हमने मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, रोड नेटवर्क ठीक किया, लगभग 1,00,000 किलोमीटर नई सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बनाई। पावर की हालत इतनी थी, ऐसी थी कि 2-3 घंटे से ज्यादा विलेजेज में बिजली नहीं मिला करती थी। हमने तय किया कि 24/7 पावर हम गांव में भी देंगे, लोगों को भरोसा नहीं था, हमने दे दिया। और हमने जो सिंचाई की व्यवस्था थी, केवल 7.5 लाख हेक्टर मध्य प्रदेश में जमीन में सिंचाई होती थी, उसको बढ़ा के इस साल हमने 30 लाख हेक्टर कर दिया। 4-5 लाख हेक्टर नया हर साल जोड़ते जाते हैं, क्योंकि खेती के लिए हमको जरूरी लगा कि अगर पानी है तो ही किसान हमारे सफल हो पाएंगे। और इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने तय किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें हमने काफ़ी सफलता पाई। और अब मेरे मित्र राजीव जी भी आपके सामने कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल जो स्तर रहता है उसकी हमने सड़कें बनाई है, पावर की कंडीशंस बहुत अच्छी है, तेजी से मध्य प्रदेश अब विकास की दिशा में बढ़ रहा है। मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश को अगर समृद्ध और विकसित बनाना है तो 60% पॉपुलेशन हमारी डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर को पहले ठीक करना पड़ेगा। मैंने एक नारा तय किया कि खेती को फायदे का धंधा बनाना है, और उसके लिए हमने पहले पानी की व्यवस्था की, सीड रिप्लेसमेंट की दर हमने बढ़ा के 30% की अच्छे सीड्स उपलब्ध कराए, किसानों को जो एग्रीकल्चर लोन मिलता था 18-19% इंटरेस्ट पर मिलता था उसको घटा के मैंने 0% कर दिया। खेती पर हमने बोनस देने का काम किया, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा के किसान को दिए, जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग खेती में हो सकते थे, और हमने जो क्रॉप का पैटर्न था उसको पूरी तरह से बदल दिया। केवल गेहूँ नहीं, केवल धान नहीं, बाकी भी जो फसलें हैं, हार्टिकल्चर की फसलें, फिर मिल्क प्रोडक्शन, फिर फिशरीज, गोटरीज, जिन भी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते थे हमने किसान को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का किसान घाटे की खेती नहीं, फायदे की खेती करता है, और उसकी इज्जत आज पूरे हिंदुस्तान में है। क्योंकि मेरे मित्रों ने आपको बताया, हमने वीट के प्रोडक्शन में पहले पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ा, फिर पंजाब को पीछे छोड़ा, उत्तर प्रदेश को भी हम पीछे छोड़ने वाले हैं। 3 साल से भारत सरकार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को दे रही है, और खेती के कारण करोड़ों लोगों की स्थिति हमने ठीक करने का काम मध्य प्रदेश में किया। इसलिए जब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात सुनते तो लोगों को आश्चर्य होता है। बिफोर लास्ट ईयर 18.91% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज मध्य प्रदेश, लास्ट ईयर 20%, और इस साल 24.99%, और अभी भी इस साल मैंने कहा कि जरा हिसाब लगाओ नेक्स्ट ईयर कितना होने वाला है, मैं फिर आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 24.99% के ऊपर इस साल फिर हम लगभग 20% फिर हमारी ग्रोथ रेट होगी। मैं समझता हूँ केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के इतिहास में शायद ये रिकॉर्ड किसी भी राज्य ने आज तक खड़ा नहीं किया होगा।